भोजपुरी सुपरस्टार एक्ट्रेस काजल राघवानी और सपना चौधरी एक साथ कोलकाता वाले अवार्ड शो में गई, जो अभी पिछले दिनों हुआ। वहां इन दोनों ने एक साथ एक दूसरे की कंपनी इंजॉय की। वैसे कंपनी एक दूसरे की इंजॉय तो अंजना सिंह और रानी चटर्जी भी कर रही हैं। जी हां, वो एक लंबे हॉलीडे पे गई हैं, जहां पर उन्होंने मालदीव में छुट्टियां बिताकर अब श्रीलंका में छुट्टियां बिता रही हैं। खैर, हम आते हैं अपनी टॉपिक पर। आपको बता दे कि यहाँ पर ये दोनों हीरोइने यानी कि सपना चौधरी और काजल राघवानी एक साथ एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रही थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सपना चौधरी को अवार्ड दिया गया। वो किस लिए? भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए। अब आप कहेंगे किस योगदान के लिए? भाई, आपको याद है कि सपना चौधरी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में एक आइटम सॉन्ग किया है। अगर याद नहीं है तो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, आपको याद आ जाएगा, बस उसी के लिए। और वही काजल राघवानी भोजपुरी इंडस्ट्री को भर भर के साल भर में फिल्में देती हैं, उन्हें कोई अवार्ड नहीं दिया गया। भाई, ये कैसी दो आंखें भोजपुरी इंडस्ट्री के अवार्ड शो में? अब अगर काजल राघवानी जैसी सुपरस्टार एक्ट्रेस को अगर ये अवार्ड दिया जाता तो समझ में भी आता कि उनका भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रति कितना बड़ा लगाव है और कितना बड़ा योगदान है। और ये अवार्ड दिया किसे गया? सपना चौधरी को, जिसका कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई न योगदान है और ना ही उनकी लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्में आती हैं। वैसे ये पहली मर्तबा नहीं है जब भोजपुरी इंडस्ट्री में लोगों के प्रति दुहाग की गई हो। वैसे गाते तो अच्छा पवन सिंह है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन आपने बहुत कम देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्हें बेस्ट सिंगर का अवार्ड बहुत कम ही बार दिया गया है, जबकि साल भर में उनके कई ऐसे गाने आते हैं जिसपे लोग थिरकते भी हैं और उन्हें यूट्यूब पर काफी अच्छे व्यूज भी आते हैं। वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के अवार्ड शो पर हमेशा ये तोहमत लगती आती है कि ये अवार्ड शो पैड होते हैं। आपको अगर भोजपुरी में अवार्ड चाहिए तो जाइए और स्टेज पर थिरकिए, या फिर अवार्ड फंक्शन में जाइए, आपको खुद ब खुद अवार्ड मिल जाएगा। ठीक उसी तरह अवार्ड फंक्शन में सपना चौधरी गई और उन्हें ये अवार्ड मिल गया, और जो इसके काबिल था उसे तो ये अवार्ड मिला ही नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल।